ये देखो डोर्स वगैरह देखो भाई, ये अपनी एम्बिएंट लाइटिंग हो रखी है अच्छे से। उसके अलावा ये कप होल्डर्स जो हमारे रहते हैं उसके अंदर भी लाइटिंग हो रखी है, ये देखो आप। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी छत पे देखो लाइटिंग वगैरह, इसको हम कहीं भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हो, ये देखो, तो ये देखो चीज़ देखो आप, ये देख रहे हो, ये प्रॉपर आपको दिखा रहे सीट आगे पीछे जाते हुए। एड्रेस भी आदमी का कंफर्ट बढ़ाने के लिए एड्रेस भी डबल फोल्ड पे आते हैं, ये आप जैसे देख पा रहे हो, बीच में बिल्कुल हेड को सपोर्ट मिल जाएगा। वीडियो रहने वाला है भगवती मोटर पे, हमने गाड़ी को काफी जबरदस्त लग्जरी इंटीरियर दिया है। एक बार बोर्ड दिखाता हूं, अब मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा, गाड़ी में काफी लग्जरी फीचर्स अपग्रेड हो गए हैं। तो एक बार बोर्ड देख सकते हो, भगवती मोटर्स करोल बाग में पड़ता है। अब जो मैं काम आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही प्रीमियम लग्जरी वाला काम है, आपको गाड़ी में मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी इनोवा है। सर कौन सा 2012 मॉडल? 2012 ओल्ड इनोवा है, ओल्ड इनोवा है। इसके अंदर हमने सीटिंग अरेंजमेंट टोटल चेंज किया है, इसमें बीच की सीटें निकाल के हमने इसमें रिक्लाइनर्स फिट किए हैं। ये रिक्लाइनर्स की जो खूबसूरती है वो इसके अंदर जो इसके मूविंग लेग्स है, ये आप देखिए, ये देखो, ये सपोर्ट्स हैं जो आदमी के बैठने के लिए बहुत कंफर्टेबल है जी। प्लस इसके अंदर ये बैग भी हमारा 160 डिग्री तक एक टोटल बेड वाला एक्सपीरियंस देगा जी। प्लस ये सीट पूरी आगे पीछे रिक्लाइनर काम कर रहे हैं, ये सब मोटराइज्ड है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने इसमें दो आर्मरेस्ट डाल दिए हैं ताकि जो दो पीछे वाले पैसेंजर बैठे उनके बीच में भी डिस्टेंस मेंटेन रहे जी। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक चार्जिंग पॉइंट है, ये ड्रिंक होल्डर का मोबाइल स्टैंड है, तो यहाँ हम अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ भी प्लस जो हमारे ये साथ वाले प्योर लेदर की सीटिंग है, ये सब प्योर लेदर की सीटिंग है, ठीक है, रेक्सीन नहीं यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हमारा मेजर है ये इसके अंदर ये हेडर जो है ये भी अच्छा, ये डबल सपोर्ट वाले हैं सर, ये भी एडजस्टेबल है, इसमें एडजस्टेबल है, ठीक है। इसके बाद ये जो है हमारा ड्रिंक होल्डर के अंदर, इसमें कलर चेंजिंग वाला एम्बिएंट इफेक्ट है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कलर चेंज करते हैं, रात को अगर आपका कोई सामान रखा है तो आप इस लाइट की मदद से, ये लाइट विजिबल नहीं है सर, इसका इफेक्ट विजिबल है, ठीक है। ये लाइट बिल्कुल नहीं दिख रही, बाकी काफी स्मार्टली इसको एडजस्ट किया है, पूरा वैसे खाली हमको लाइट दिख रही है बट कान स्टॉल हुई वो नहीं दिख रहा। हाँ जी, ये इसका ड्रिंक होल्डर है, ये इसके कंट्रोल्स है सीट्स को आगे पीछे करने वाले, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लेग सपोर्ट, ये बैक हमारी सीधी हो रही है, इससे ये देख रहे हो, ये इसके फोल्ड हो गए, ये और ये जितने भी ऑपरेशन है सब साइलेंट है, इसमें बिल्कुल कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं है, कुछ भी नहीं, मोटर के कोई साउंड नहीं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो हमारा रूफ इफेक्ट है जी। आप देख सकते हैं, आप इसके अंदर हमारे इसके अंदर बहुत सुंदर स्पार्क्स इफेक्ट दिया रूफ में। उसके बाद सेम हमने डैशबोर्ड की थीम को चेंज किया है, रूफ की थीम में और ब्लैक कलर की थीम है, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर हमारा ये वाला सीटिंग पार्ट है, नॉब भी कवर है, नीचे का हैंड ब्रेक देखिए आप, ये देख सकते हैं। डोर्स के अंदर एक लाइटनिंग इफेक्ट है जी, ये आप देखो, ये सर इसको एम्बिएंट लाइट कहते हैं ना जी, ये एम्बिएंट लाइट भी काफी स्मार्टली जो कि प्रॉपर हमारा लग्जरी इंटीरियर बना है जी। और इसको कह नहीं सकते, इस तरह की गाड़ी को करने के लिए हमारे को एक हफ्ते का टाइम लगा। इसके अंदर स्टेयरिंग रैप प्लस ये सिल्वर कलर के पैनल, इसकी मैं आपको गाड़ी को बिफोर एंड आफ्टर की फोटोग्राफ भी दूंगा, ठीक है। जब ये गाड़ी हमारे पास आई थी तो अंदर से काफी डल इंटीरियर टाइप इसकी सीटें थी, लेकिन थी प्योर लेदर में, क्योंकि हमारी ऑलरेडी ये 2012 मॉडल है, 8 साल पुरानी गाड़ी थी हमारे पास जो है। अब जो है इसके अंदर ये सारा मैचिंग डोर इफेक्ट है, ये बॉटल देखिए, बॉटल के अंदर भी जैसे जैसे कलर चेंज होंगे बॉटल के अंदर इफेक्ट चेंज, इसमें भी ऐसे आप देख सकते हो विजिबल नहीं है लाइट्स कहाँ लगी, बट हमको सिर्फ लाइट्स दिख रही है कि ऑटोमेटिकली लाइट चेंज हो रही है, जो कि हमारा इधर ग्लास होल्डर में भी इफेक्ट था। तो इस तरह का पूरा इफेक्ट हमारे जो इनोवा में रहने वाला है, ये देख सकते हो। बाकी सीट्स का मैंने आपको दिखाई दिया था, काफ़ी इसमें ना जो है यूनिक चीज़ कर रखी है भाई, ये हमारे जो हम फ्लाइट में जाते हैं ना, जो हमारा फर्स्ट क्लास जो हमारा होता है वो वाला फ़ीचर हमको मिलता है, ये आप कह सकते हो मर्सिडीज़ वाला फ़ीचर है। तो ये सब बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर वो गाड़ी में करवा रखा है, ये आप देख सकते हो। पूरा मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है और काफ़ी एक्साइटेड था मैं इसका वीडियो बनाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार जो है काम हो रखा है गाड़ी में, आप जैसे देख पा रहे होंगे। प्रॉपर मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आपको धीरे धीरे पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लो मोशन में, कि आप देख सकते हो किस क्वालिटी ऑफ वर्क यहाँ पे हुआ है, कितना हाई लेवल ऑफ काम यहाँ पे हुआ है, सो दैट आपको पता चल जाए। अगर आप इस टाइप का काम एक्सपेक्ट कर रहे हो, एकदम प्रीमियम लग्जरी वाला काम जैसे है कहते हैं हम,
वो वाला काम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल, यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इनको कॉन्टैक्ट करो, इनसे बात करो। हमने सर दिखाया इनोवा का रिक्लाइनर क्योंकि बहुत ही यूनिक चीज़ है, पहली बार हमने ये चीज़ देखी, इनफैक्ट हमने ये चीज़ कवर की है। सर देखिए, हर किसी के पास, जैसे अगर मैं अपने व्यूज़ के साइड से कुछ कहना होगा, हर किसी के पास इनोवा नहीं होती, तो अगर किसी भाई के पास दूसरी गाड़ी या कोई छोटी गाड़ी, स्विफ्ट टाइप की गाड़ी, तो उनमें भी ये चीज़ पॉसिबल है। तो मतलब कोई भी गाड़ी पॉसिबल है, हैचबैक में भी। इसमें इनोवा जैसी गाड़ी में ये हमारे को रूम एरिया बहुत मिल रहा है, ठीक है। इसमें जहाँ पर ये लग रही है, और उसके बाद आप तो इसमें गाड़ी में आपने नोटिस किया कि फ्रंट सीट से लेकर रियर सीट के बीच में बहुत बड़ा एरिया हमारे को खाली मिलता है जी। इसके बाद इसमें आपने वीडियो में देखा कि इसमें दो लेग एरिया सपोर्ट बाहर निकलते हैं जी, और ये 160 डिग्री तक का बेड बन जाता है जी। इसके अंदर हमारी सीट जो है बैक भी पीछे जा रही है और सीट भी आगे आ रही है, ये सारा काम मोटराइज्ड है, दोनों बटन एक्शन से चल रहा है, ठीक और है। सीट अपने चैनल पे आगे पीछे भी हो रही है जी। और इसके बाद हमारे जो इसमें आप देखेंगे तो ऊपर के जो दो हेडरेस्ट हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देंगे, वो फोल्ड होके आदमी की जो नेक सपोर्ट है उसको डबल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके अंदर हमारा हर तरफ से, और जैसे कि आजकल आप COVID-19 के अंदर आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, इसके दोनों सीटों के बीच में आर्मरेस्ट भी है जी। जिसमें दोनों अगर आदमी अलग अलग बैठ कर तो उनके बीच में भी अराउंड 8 to 9 inches का डिस्टेंस मेंटेन होगा जी। और ये सारा काम हमने प्योर लेदर, इंपोर्टेड लेदर के अंदर किया है। और इस लेदर के अंदर यह है कि बैठने के बाद जो कम्फर्ट और फीलिंग है जी। प्योर लेदर तो सर कहना ही अपने आप में एक एक रॉयल फील वाली बात है। तो जैसे मैंने सारा काम दिखाया, आपके पास कोई भी गाड़ी हो आप आइए। सर ऐसा होता है अभी जैसे प्योर लेदर है, किसी का बजट कम होता है तो वो नॉर्मल पीयू में करवा, पीयू में काम हो जाएगा। अच्छा, बजट के हिसाब से जो भी है। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले हमारे को इसमें जो रिक्वायरमेंट है, ये जो आपने को मैंने इस गाड़ी की काम से पहले की फोटोग्राफ शेयर की थी, इसके अंदर इस गाड़ी के अंदर वही एक सैंड कलर टाइप, बेज कलर टाइप इंटीरियर था ऑलरेडी, और उसमें ऑलरेडी प्योर लेदर की सीटें कंपनी की टॉप ऑन थी। तो हमने इसका बीच वाला सोफा और रिक्लाइनर पीछे का वो दोनों रिमूव करके दो रिक्लाइनर फिट किए हैं, और उसके बाद जो इसमें अंदर का इंटीरियर का कलर कोड था जी। वो लेटेस्ट टैन कलर किया है जी। वो मैचिंग सारा उसके अंदर, मैचिंग मैट्स भी हैं, रूफ भी है। उसके बाद इसमें सबसे जो यूनिक फीचर है वो इसके अंदर रूफ के अंदर एक स्पार्कलिंग लाइट्स वाला फीचर है जी। नॉर्मली आप वो फीचर देखेंगे तो वो छत के अंदर होल्स करके बनाते हैं, हमने इसको इमिटेशन लुक में वो दिया है। प्लस इसके अंदर जो एम्बिएंट लाइटनिंग आप डोर्स में देख रहे हैं जी। तो उसका लाइटनिंग इफेक्ट फ्रंट डोर में है, सेंटर डोर में है, पीछे जो थर्ड में एरिया में जहाँ पर आपके मेन पैसेंजर ने बैठना है उसके ड्रिंक होल्डर में भी ये लाइटनिंग इफेक्ट है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ये कलर इफेक्ट चेंज होते हैं। इस कलर इफेक्ट से जो गाड़ी के अंदर रात को जो लुक्स है वो बहुत ही कमाल की है, एकदम प्रीमियम वाली प्रीमियम लुक आती है। ठीक है, तो ये पुनीत सर है, आपको भगवती मोटर्स करोल बाग में मिलेंगे, बाकी कोई भी गाड़ी है सब में काम हो जाएगा। हाँ, ये वाला जो हैचबैक वाला काम है, कोई अच्छी हैचबैक हो स्विफ्ट तक के अंदर ये रिक्लाइनर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप सर से बात कर सकते हो, बाकी बजट के हिसाब से सर जो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा पॉसिबल है। तो यही सर का नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आ सकते हो। सर 7 days ओपन रहता है ना अपना? हमारा मंडे ऑफ रहता है, बाकी डेज वर्किंग है, तो आने से पहले अगर एक बार आदमी कॉल कर ले तो बेटर है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।